नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि इसमें जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे वो आपकी बीएस नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पैरामेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो तीनों में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, इन सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ट्वेल्थ पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना कंपलसरी है, ठीक है, और आपकी एज मिनिमम 17 हेयर्स होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनमें सिलेक्शन के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले आपको डिसाइड करना है अपने माइंड में कि राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, फिर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बताऊंगा और उसका रीजन भी। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा रेडियो फॉस्फोरस। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए थे, रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट और रेडियो आयोडीन और रेडियो फॉस्फोरस। यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिए हुए हैं उनको इग्नोर ना करें, उनके बारे में भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि आपको नॉलेज को बढ़ाना है ना कि रटना। रेडियो फॉस्फोरस क्या होता है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि रेडियो फॉस्फोरस एक्चुअली है क्या। फॉस्फोरस तो आप जानते होंगे, फॉस्फोरस की हमारा जो एटमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 15। तो उसके बारे में कौन नहीं जानता, उसके बारे में डीपली जानना जरूरी है फॉस्फोरस के बारे में और जो कि अदर चीज़ें दी हुई है उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अगर आप जान लोगे ना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फॉस्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत क्या होता है, पी है, तथा परमाणु संख्या 15 होती है। यह शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के पोस का मतलब होता है प्रकाश तथा फोरस का मतलब होता है धारक से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ प्रकाश का धारक। ये फॉस्फेट चट्टानों में पाया जाता है, इसकी सूचकता 1, 3 और 5 होती है। तत्वों की आवर्त सारणी में ये भूयाति के समूह में आता है और उसका वाह स्वर भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज होगी ना सभी जो हमारे एटम हैं उनके बारे में तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। सो स्टूडेंट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रेडियो फॉस्फोरस। क्वेश्चन था हमारा कि आइसोटोप है, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, और समस्थानिक में भी क्या कि जिसकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु बाहर अलग अलग होता है वो होता है आइसोटोप। थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु बाहर अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है प्रोटॉन जो होते हैं हमारे उनकी संख्या तो समान है बट न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है इस कारण से, और इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं समस्थानिक, जिनमें परमाणु संख्या जो है समान है परंतु बाहर अलग अलग है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है या फिर संख्या बढ़ जाती है या फिर उनका आकार छोटा हो जाता है या फिर उनकी संख्या घट जाती है। बताइए स्टूडेंट क्या होता है अधिक ऊंचाई पर आरबीसी की संख्या को लेकर उसके नंबरिंग को लेकर। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए, पहला है कि आकार बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है कि उनकी संख्या बढ़ जाती है, सी दिया हुआ है कि उनका आकार छोटा हो जाता है, डी दिया हुआ है कि उनकी संख्या घट जाती है। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर जो कणिकाएं होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है। आपने ये पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं पर, और आपको इसके बारे में इतनी नॉलेज लेनी है कि आरबीसी की संख्या क्या होती है नॉर्मल ब्लड में, इसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन जो होता है उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, ठीक है ना, ये भी आपको मालूम हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार कि हमारे जो मनुष्य में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है,
सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन होता है 12 से 15% या मिलीग्राम, ठीक है ना। इस प्रकार नॉर्मल रेंज आपको पता रखनी है और इसकी संख्या बढ़ने से कौन सी डिजीज होती है और इनकी संख्या घटने से कौन सी डिजीज होती है ये भी आपको पता रखना है। अगर आप कमेंट करोगे तो इसके विषय में भी अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक चरम शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। आपके पास ऑप्शन है निकिल, जस्ता, क्रोमियम, सीसा। बताइए स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा क्रोमियम। अगर आप धातु के बारे में नॉलेज होगी ना कि निकिल क्या है, जस्ता क्या है, सीसा क्या है, हल्की सी थोड़ी सी डीपली भी नॉलेज होगी तो आप इसको कर सकते हो। सो स्टूडेंट क्रोमियम का यूज किया जाता है। क्रोमियम मेटल जो है ना स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है, ये संक्रमण दांतों में गिना जाता है और इसका पिघलाव 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है जो रासायनिक नजरिए से संक्रमण दांतों का सदस्य है। यह एक चमकीला स्लेटी भूरे रंग का सख्त लेकिन आसानी से टूटने वाला धातु है। ये आसानी से टूट जाता है क्रोमियम। इसे पॉलिश करने पर यह अत्यधिक चमकीला बन जाता है और यह आसानी से धुंधलाता है। इसका पिघलाव तापमान 1260 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है बहुत ही ऊंचा है स्टूडेंट, इतना हाई टेम्परेचर में पिघलता है वो। इसीलिए इसे इस्पात में मिलाया जाए तो इस पर जंग और धब्बे नहीं लगते। इसी कारण इसे स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज किया जाता है। किसका? क्रोमियम का। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्यों किया जाता है, इसका पिघलाव टेम्परेचर इतना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अगर नॉलेज होगी आप में तो आप अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम को पास आउट कर सकते हो। सो स्टूडेंट इसी प्रकार से जो हमारे औदर धातु है उनके बारे में भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्ट्रॉन्शियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए नीलाब हरा, ऑप्शन बी सेव का हरा रंग, ऑप्शन सी क्रिमजी लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। इंट्रांसियम लवण के द्वारा हुसैन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा क्रिमजी लाल। अब वो तो आपने अपने माइंड में क्या सिलेक्ट कर रखा था वो आपको मालूम है, ठीक है ना। बट कंपैरिजन करना है कि कितने क्वेश्चन हमने गलत किए और कितने हमने सही किए, अपने आप से कंपैरिजन करना है। स्टूडेंट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो गया उसमें आपकी नॉलेज चेक की जाती है। आपने ट्वेल्थ में कितना पढ़ा, इलेवंथ में कितना पढ़ा, ये कोई मायने नहीं रखता। बट तो वहाँ पर जो नॉलेज काम में आएगी वो इलेवंथ और ट्वेल्थ की आएगी, ठीक है ना। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉलेज चेक की जाएगी आपकी। जैसे कि आपने अभी सब्जेक्टिव नॉलेज तो पेपर में लिख ही दिया होगा या फिर एग्ज़ाम दे रहे होंगे अभी तो बहुत सारे, ठीक है ना। तो अपने कॉपियाँ बननी होती है उनमें, यानी कि कोई रटा रटाया ज्ञान भी उसमें लिख देता है। बट यहाँ पर आपकी नॉलेज चेक की जाती है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो आपको रटना नहीं है, समझना है ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का जो बल है उस स्थान पर शून्य होता है, या फिर चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाता है, या फिर अभी केंद्र बल के समान होता है, या फिर सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिए कि कृत्रिम जो सैटेलाइट के अंदर जो व्यक्ति है ना भारहीन महसूस करता है, क्यों करता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा अपने माइंड में। सो स्टूडेंट अब मैं इसका राइट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। इसका राइट ऑप्शन होगा अभी केंद्र बल के समान होता है, पृथ्वी के आकर्षण बल का अभिकेंद्र बल के समान होता है। यानी कि जो कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है।
स्टूडेंट, अगर आपने 11th में अभी केंद्र बल अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट अगर आपने अभी केंद्र बल के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत आने वाली है। अगर आपके अंदर नॉलेज होगी अभी केंद्र बल की, सो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो रिलेटेड है हमारे अभी केंद्र बल से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि वो चुंबक से रिलेटेड है और चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा हमेशा 100% पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए जितना हो सके चुंबक वाले कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर रखें। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो अवेलेबल करा दूंगा चुंबक हमारा जो चैप्टर है उसको लेकर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसके जितने भी MCQs है ना मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते बनते स्टूडेंट 100%। ऑप्शन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसके बने होते, मॉडर्न जो शक्तिशाली चुंबक है वो किसके बने हुए थे। ऑप्शन आपके सामने है कि लोहा यौगिक से, या फिर लोहा चुंबकीय पदार्थों से, या फिर हमारा जो एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है एवं निकल की मिश्र धातुओं से, या फिर लोहा कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। अच्छे से सोचे स्टूडेंट, अच्छे से सोच समझ कर इसका आंसर देने का प्रयत्न करें। आपको पता है आपने सब पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा सोच लीजिए फिर ही टिक लगाना उसके बाद ही। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि हाँ क्वेश्चन ईजी है, एक्साइटेड होके गलत करके आते हैं, फिर आप ऐसा ना करें, सोच समझ के सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो एक बार सिलेक्ट हो गया तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, फिर कोई अदर ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट अगर ऑफलाइन होगा अगर आपका एग्ज़ाम तो फिर दिक्कत है, क्योंकि इसमें एक बार टिक होने के बाद अगर आपको याद आ गया कि नहीं इसका आंसर कोई दूसरा है तो फिर आपका आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए सोच समझ कर आपको सिलेक्ट करना है। बताइए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने अगर 12th में चुंबक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से नोट्स होंगे आपके पास, तो इसलिए आप इसको कर सकते हो। अगर नहीं भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके लिए अगर कमेंट करोगे ना तो कुछ भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसके बने हुए थे। इसका राइट ऑप्शन है कि एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से बने हुए होते हैं, और ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको पता हुआ होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। ये जो क्वेश्चन है ये साइंटिस्ट की नॉलेज चेक करना चाहता है कि आप में साइंटिस्टों को लेकर कितनी नॉलेज है। फर्स्ट ऑप्शन है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सामान्य आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके बाद है कि मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन सी है मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिंगल भेजा। ओडीए मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबल पुरस्कार विजेता बनी। बताए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, कौन सी घटना पहले घटी। इन चारों के बारे में अगर आपको पता होगा ना साइंटिस्टों की कि किसने क्या सिद्धांत दिया, किसने क्या आविष्कार किया, ये नॉलेज यहाँ पर ये चेक करना चाहता है ये क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिंगल भेजा, ये घटना सबसे पहले घटी थी। और इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपेक्षिकता सिद्धांत दिया, मैक्सवेल प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी, ये सब बाद ही बात है, बट सबसे पहली घटना यही है मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिंगल भेजा था। ठीक है, साइंटिस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने साल गुजारने के बाद कुछ, जैसे कि मैक्सवेल की समीकरण आपने देखी होगी, ठीक है ना, बहुत सारी इक्वेशन दी थी उन्होंने जो कि पूरी दुनिया को हिला दिया था, तो रिजल्ट होता है उनका वही हम पढ़ते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा देखा होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ऑप्शन है लाल नीला पीला, ऑप्शन बी है लाल पीला हरा, ऑप्शन सी है लाल नीला हरा, या फिर नीला पीला हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
छोटा सा क्वेश्चन समझ के एक्साइटेडमेंट होके आपको गलत इसको करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, अगर इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ ये तो मेरे को आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा, और उसको गलत करके आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा लाल, नीला एवं हरा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उनमें से तेज बुलबुले होता है या फिर उफान आता है एक प्रकार से, क्योंकि इससे उत्पन्न गैस कौन सी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही समझने वाली बात भी है। स्टूडेंट खाने का सोडा तो आप जानते हैं ना, खाने का सोडा होता है बेकिंग सोडा जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, खाने का सोडा के बारे में थोड़ा सा जान लो आप, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। अब आपको मालूम लग ही गया होगा कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एसिड से, तो क्या होता है बताइए स्टूडेंट। आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, अब तो आप बता ही सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। समझना है क्वेश्चन को, रटना नहीं है। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि खाने का सोडा से रिलेटेड जितनी नॉलेज होगी ना, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इसका फॉर्मूला भी आ सकता है कि फॉर्मूला क्या होगा, इसका यूजेज आ सकता है, इसके आपको यूजेज में से कोई सा भी उपयोग पूछा जा सकता है। तो हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि खाने का सोडा एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, नमक टाइप का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं हम खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि सोडियम का बाइकार्बोनेट है क्या, कार्बनिक, अकार्बनिक, रासायनिक कुछ भी दे सकता है। इस प्रकार से आपको पता हुआ होना चाहिए कि एक कार्बनिक है। इससे मीठा सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र जो है NaHCO3 है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और बना भी है एक बार क्वेश्चन, स्टूडेंट 2017 में बना है स्टूडेंट, BS नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम जो आयोजित होता है। ठीक है, उसी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग प्रति अम्लो अम्लीय कम करने के रूप में सोडा युक्त पेय पदार्थ में इसके यूजेज हो गए और अग्निशामक यान की आग को बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे CO2 गैस निकल रही ना, इसीलिए इसका उपयोग हम आग को बुझाने में कर रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी गैस होने के कारण आग तथा वायु के एक परत का निर्माण कर लेती है, जिसे आग का वायु संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है CO2 गैस के कारण। तो हमारा आंसर भी क्या था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए था। स्टूडेंट चाहे तो आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नींबू और खाने का सोडा लाकर आप खुद घर पर CO2 गैस बना सकते हैं। ठीक है, मैंने तो एक्सपेरिमेंट कर भी रखा है और आग भी बुझा रखी है। एक्चुअली में ऐसा मैंने ट्राई कर रखा है कि एक्चुअली में होता है क्या, बिल्कुल होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की जो नॉलेज है वो लाइफ टाइम बनी रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। आपके पास ऑप्शन है फिक्चर वाले रंगीन प्रिंट, फिक्चर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट या फिर कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। बताए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा श्वेत श्याम प्रिंट, जो है इसकी अवधि लंबी होती है। ठीक है, इस प्रकार आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि हार्ड यार्ड आते, इजी क्वेश्चन भी आते हैं जिसको आप इजीली कर सकते हो अगर आपने 11th और 12th अच्छे से पढ़ी होगी तो। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस ही आप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रैक्टिस करवाई है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दांतों से रिलेटेड हो गया, बेकिंग सोडे से रिलेटेड हो गया, उपयोग आपको पता हुआ होना चाहिए किसी भी चीज़ का, विटामिन से रिलेटेड हो गए, डिजीज से रिलेटेड हो गए, वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनकी प्रैक्टिस मैं इसी चैनल पर कराने वाला हूँ, जेके लोन जॉब चैनल पर प्रैक्टिस आपकी कराता रहूँगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके बीएस नर्सिंग ट्रस्ट एग्जाम में, फार्मेसी में, पैरामेडिकल में, ठीक है ना। अगर आप इसे प्रैक्टिस दिल से करते रहोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके हम सबके प्रयासों से। सो स्टूडेंट, मेरा तो यही टारगेट है कि आपके अच्छे नंबर गेन हो जाए और आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहोगे तो 100% आपको कॉलेज मिलेगा, आप जो चाहोगे वो मिलेगा, बट जो भी काम हो वो दिल से करो, ठीक है ना। कोई भी बात समझ में नहीं आए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा, और इतना फिर भी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो अवेलेबल करा दूंगा उससे रिलेटेड।